मंत्री यादव जी कैलाश जी, पूर्व सांसद भामेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री सतीश जी पूनिया, सभापति नगर परिषद के अनिल जी, जिलाध्यक्ष सुभाष जी, यहाँ के विधायक विठल जी, पूर्व चेयरमैन लक्ष्मीनारायण जी, पूर्व सांसद श्रीचंद कृपलानी जी, सुशील जी लुआ नगर अध्यक्ष, और उपस्थित मेरी सब माताएं बहनें और सब मेरे बुजुर्गण भाइयों, यहाँ बैठे हुए सब महानुभाव, आप लोग सबको मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतने प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया। इतनी देर तक रुक के हम सबका स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। भीलवाड़ा जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है, मीटिंग हमेशा आखिरी होती है और आप तक पहुंचते पहुंचते देरी भी हो जाती है, परंतु हंसते और प्यार से आप लोग ये लास्ट वाली मीटिंग को बिल्कुल सक्सेस बनाते हो। और मैं कुछ दिनों से इस यात्रा में चली हूं, आज 2 महीने होने को आ रहे हैं और इस 2 महीने के अंदर राजस्थान के 4 संभागों को देखने का मौका मुझे मिला है। और मैं सोच रही थी कि परिवर्तन यात्रा और इस यात्रा के बीच में 10 साल निकल गए, 5 साल हमने बड़ी मेहनत की थी, कोशिश ये किया था कि जो बीमारू प्रदेश हमको मिला था उस बीमारू प्रदेश को बहुत मेहनत करके गड्ढे में से निकाल को उसको फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश करके आगे की पंक्ति में लाने का काम किया था। तो हमें ये लगा था कि उन 10 सालों के अंदर बहुत कुछ फर्क आ गया होगा और जो परिवर्तन यात्रा में देखने को मिला था उससे बहुत कुछ आगे हमारा राजस्थान बढ़ चुका होगा। परंतु मैं आपको कहना चाहती हूं कि पिछले ये 2 महीने के अंदर जो मैंने देखा उससे मुझे आंसू आ गए। जगह जगह जहां भी मैं गई हूं, अपन भूल जाए बड़े शहरों की बात, अपन भूल जाए बड़ी बड़ी बातें, अपन एक ही चीज याद रखें कि जो 50-55 साल की जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक हमारे गांव के लोगों के बीच में और कहीं कहीं बड़े बड़े शहर के बीच में भी नहीं पहुंच पाई। आप मान के चलिए कि जगह जगह पे 4-4 दिन में पानी आ रहा है और वो भी आधे घंटे के लिए। आप मान के चलिए कि बिजली का जोरदार अभाव है, कृषि की बिजली 2-3-4 घंटे मिलती है और वो भी बड़े बड़े ट्रिपिंग के साथ। और अगर घरेलू बिजली जो महिलाओं के लिए हमने अलग से पैदा की थी, जो अलग से लाइन निकाली थी कि सिंगल फेज की बिजली महिलाओं को घर के अंदर मिले ताकि ऑफिस से जब थक के आदमी वापस जाते हैं तो घर ठंडा मिले, ऐसा कि फ्रिज चले, जब कूलर चले और जहां बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले वहां बिजली मिले, ऐसी सिंगल फेज की बिजली जो हमने दी थी, जाते जाते मुझे याद है कि हमने उसको 18-20 घंटे तक पहुंचाने का काम किया था। आज वो बिजली सिर्फ 6-7 घंटे लोगों को मिल रही। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इतना सारा काम करने के बाद इस काम को पीछे जाते हुए जब कोई देखता है तो दिल टूटता है। और मेरा दिल टूटा आज देखने के लिए कि यह किसान रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं बहनें कह रही हैं, जगह जगह पे मेरे को ये कहती हैं कि फ्लोराइड का पानी है, हमको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ये भीलवाड़ा की पुरानी मुसीबत है। जब भी मैं भीलवाड़ा आई हूं, भीलवाड़ा के लोगों ने हमको ये कहा है कि हमें जो साफ पानी पिला देता है उसके तो हम बिल्कुल ही नतमस्तक हो जाएंगे। ये भीलवाड़ा के लोगों ने बार बार कहा है कि हमारे पीने के पानी का इंतजाम करा दीजिए, क्योंकि हमारा पानी जो दूषित हो गया है उसको किसी तरीके से फिर से हमको ठीक करने की कोशिश करनी है। इस भीलवाड़ा के अंदर हम लोगों को 2 चीजों को एक करने की जरूरत है, हमें यहाँ पानी भी पिलाना है और ये भी देखना है कि दूषित ना हो और साथ साथ उसकी इंडस्ट्री को भी कायम करके रखने की हमें कोशिश करनी है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये बहुत दुख की बात है कि देश की 1% मात्र इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान के अंदर लगी हुई है। जो निवेश है राजस्थान का 15वें स्थान है
और छोटी और बड़ी करीबन 3,67,000 इंडस्ट्री की इकाइयां हमारे राजस्थान के अंदर है, जिसमें से 30% अपना दम तोड़ चुकी हैं। हमारे उद्योग यहां से शिफ्ट होने लगे हैं। लोगों ने तय कर लिया कि जब हमको बिजली नहीं मिलती, जब हमको पानी नहीं मिलता, जब हमको सड़क नहीं मिलती, पूरे 2 महीने के अंदर जर्जराई हुई सड़कें जगह जगह पे मुझे मिली। ये स्थिति में उद्योगपति ये कहता है कि मैं अपना निवेश यहां करूं, इससे अच्छा ये है कि बड़े स्टेट में कहीं चले जाऊं जहां ये सब मूलभूत सुविधाएं हमको आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। हमारी उद्योग हमारे यहां से हटके कुछ तो गुजरात चले गए, कुछ हिमाचल प्रदेश चले गए, कुछ मध्य प्रदेश चले गए। गुजरात को बहुत बड़ा फायदा हमारी गलत नीतियों से हुआ है। और मैं आज, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं कहना चाहती हूं आप लोग सबको कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पॉलिसी जो है, जो गुजरात के अंदर इतनी अच्छी है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अगर राजस्थान की सरकार ने भी वो पॉलिसी बनाई होती तो आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज उठा उठा के अपनी बिजनेस वहां गुजरात नहीं ले जा रहे हो। हमारा बिजनेस जो है टेक्सटाइल का, वो एक देश के अंदर सबसे बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस था। अब आप देखिए कि गुजरात के अंदर जो बिजली के चार्जेस है वो खाली 3 रुपए प्रति यूनिट है, मध्य प्रदेश के अंदर 4 रुपए प्रति यूनिट है, यहाँ 6 रुपए प्रति यूनिट है। तो मुझे बताओ कि कोई भी इंडस्ट्री वाला क्यों नहीं जाएगा जहां 3 रुपए है, जहां 4 रुपए है। टेक्सटाइल पॉलिसी जो टैक्सेस के ऊपर कटौतियां होती हैं, वो गुजरात के अंदर अगर आपको सब मिल रहा है तो यहाँ क्यों कोई आना चाहेगा। जो मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिल रही है तो वो तो यहां से जाएगा ही जाएगा। और जब पानी पीने को हमको यहां नहीं मिल रहा है तो इंडस्ट्री को पानी कहां से पहुंचेगा। और ऐसी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे है जिसको पानी की सख्त जरूरत है। पर मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूं कि हम लोगों को क्लीन वाटर का भी इंतजाम, साफ पानी का भी इंतजाम करने की जरूरत है। दोनों को साथ बिठा के उनकी बात करने का काम हम लोग अगर करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी बच जाएगी और हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र के अंदर आराम से पानी आने का काम भी हो जाएगा। मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ इस देश प्रदेश के अंदर और हमारे बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने ये कोशिश की थी कि आखिरी 4 महीने के अंदर कहीं रेवड़ी न बटे, ऐसा काम हो जिसमें महिलाओं को और हम सबको अपना राइट अच्छी तरह से मिले। और ये सोच करके मैंने एक भामाशाह योजना तैयार की थी। इस भामाशाह योजना के द्वारा मैंने ये कोशिश की थी कि सही पैसा महिलाओं के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे, उसमें एससी और एसटी, उसमें लघु उद्योग, लघु और सीमांत कृषक, इन सब को उसका इंतजाम करने की हमने कोशिश की थी। उस कार्ड के ऊपर हमने ये कोशिश की थी कि 30,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा के हिसाब से उनको मिलेगा। और ये सब मिलने के बाद आज आधार कार्ड, जिसको आप जानते हैं, उस आधार कार्ड के नाम से पूरे देश के अंदर ये स्कीम अब फेमस हो गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय अगर राजस्थान ने कर दिया होता तो आज रेवड़ी बांटने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि 3.5-4 साल से आपको वही स्कीम के द्वारा पैसे, पेंशन, सब कुछ आराम से और बड़े स्वस्थ तरीके से मिल जाता, तो किसी को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती। बिजली के लिए लोग मुझे कहते हैं कि हमारे बिल इतने जोरदार आ रहे हैं, हम उनके साथ मैनेज नहीं कर सकते। लोग मेरे को कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि जो वादे आपको किए जा रहे हैं उन वादों में से कोई वादे पूरे नहीं हुए। कोई कहता है कि जब डॉक्टर नहीं है, जब टीचर नहीं है, तो कैसे फ्री मेडिसिन मिलेगी, कैसे आपको सस्ती दवाई मिलेगी, कैसे आपको सस्ती जांच मिलेगी, कैसे आपको 1 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं मिलेगा, कैसे आपको 50,000 रुपए ये बीपीएल के जो घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं वो कहां से आप लोगों को मिलेंगे। ये तो सब चुनावी घोषणा है। और मैं आपको कहना ही हूं कि राजस्थान के अंदर ये बहुत जरूरी है आप लोगों को एक सपना देखने का। हमने एक सपना देखा, आपने भी एक सपना देखा। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट ऐसा आगे बढ़े जैसे गुजरात बढ़ा है। मैं जब भी सबसे पूछती हूँ तो मेरे को कहते हैं बच्चे, अरे साहब हमारी भी वही स्थिति कर दीजिए जो गुजरात की स्थिति है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को हमने 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां जब दी, किन्हीं किन्हीं बच्चों को गैर सरकारी, किन्हीं किन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया, तो इस सरकार ने
अपने टाइम के अंदर इन 4.5 साल के अंदर नौकरियों का इंतजाम क्यों नहीं किया? करीब 1.5 लाख टीचरों के पोस्ट खाली है, डॉक्टर के पोस्ट खाली है, कर्मचारियों के पोस्ट खाली है। अगर ये पोस्ट भर जाते तो राजस्थान का विकास अच्छा होता। ये महानरेगा की स्कीम आपके सामने आती है, जब राजस्थान में हम लोगों के सामने ये स्कीम आई थी तो राजस्थान तो क्या पूरे देश के अंदर नंबर एक प्रदेश, ये हमारा प्रदेश था। 26 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, सब लोगों को 100 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन पैसा मिला करता था, और अगर महिलाओं ने 100 दिन पूरे कर दिए होते तो उनको लुगड़ी या साड़ी मिला करती थी। ये परिसंपत्तियां उन्होंने जो बनाई, इसकी वजह से राजस्थान का विकास हुआ। ये 26 लाख लोगों के मेहनत की वजह से हम लोगों ने राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप देख लीजिए कि वो महानरेगा कहां पहुंच गया है। 13,000 करोड़ का तो घोटाला है, ये सब लोग जानते हैं, और उसके साथ साथ कहां 26 लाख लोगों को नौकरी, आज 1,25,000 लोगों को नौकरी मिल रही है, और वो भी उनको 100 रुपए दिन के मिलते नहीं है, कभी 22 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए मिलते हैं, और एक तो मजाक रहा जिसमें उसको 1 रुपया मिला, उसमें तो मैं समझती हूँ कि जले पे नमक डालने की बात ही नहीं। ये तो आपके महानरेगा का काम है। इस सरकार ने अगर पानी बिजली इन सब चीजों का इंतजाम नहीं किया तो 4.5 साल के अंदर किया क्या? हाँ, ये किया, अपने कुंभकर्णीय नींद से जग के 4.5 साल बाद कोई काम न करने के बाद एकदम से जग के कूद पड़े, और उन लोगों ने यह तय कर लिया कि एक तो सबको रेवड़ी बांट के वापस ले लिया जाए, मुसलमान और हमारे एससी और एसटी वोट हमको छोड़ के जा नहीं सकते हैं, जातियों को झगड़ा करवा दो तो एक के बीच में दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी हो जाएंगी, और अगर ये दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो अपने आप ही वोट अपने पास आ जाएगा, और जो बचता है तो ऑपोजिशन के अंदर आप सीबीआई करके खड़ा कर दीजिए। अब चाहे वो आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, अब गुलाब जी जैसे व्यक्ति को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, 30 साल से आप लोगों के बीच में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आ रहे हैं, 30 साल से इन्होंने राजस्थान के जनता की सेवा की है, और इधर सब सेवा करने के बाद मैदान में धूप में जनता के पास घूम घूम के उनने सबका काम पूछ पूछ के किया है। अब वो सब करने के बाद आज सीबीआई और देश के लोग उनको इस कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसे केस में जो मैं समझती हूँ कि जब कोर्ट के सामने जाएगा तो न्यायालय से तो हमें पूरी तरह से विश्वास है कि वो हमारी बात को समझेंगे और न्याय दिलवाने का पूरा काम करेंगे, इससे हमारा विश्वास है। परंतु उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, उन्होंने सीबीआई को इस्तेमाल कर दिया, पुलिस को इस्तेमाल कर दिया, आप लोगों के बीच में झगड़े करने का काम कर दिया। ये सब करने के बाद भी मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस को हमने 65 में से 55 साल का राज करने का मौका यहाँ दिया। राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी के 7 साल को छोड़ के, मेरे 5 साल को छोड़ के 12 साल निकाल के 55 में से 53 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, और कांग्रेस ने ही इस राजस्थान के अंदर काम किया। वहां मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल दिए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को राज्य देश के नक्शे के ऊपर लाके रख दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री को 15 साल मिले, 15 साल में उन्होंने कायाकल्प करके दुनिया के नक्शे के ऊपर गुजरात को लाके रख दिया है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल के बाद ये कांग्रेस वाले क्या हमको बिजली पानी और सड़क के ऊपर ही सीमित करके रहे? आप टेलीविजन देखते हो, आप देखते हो कि दुनिया कहां से कहां चली गई। कभी कभी हम देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो आंसू आ जाता है कि क्या हमने 55 साल एक व्यक्ति को, एक पार्टी को देने के बाद हमारा ये हाश्य। मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने सपने नहीं देखे? मैंने सपना देखा है राजस्थान के लिए। राजस्थान का क्या गौरवशाली इतिहास, लोग उसको अखबार में किताबों में पढ़ते हैं, दूर से पर्यटक आता है कि हम देखें तो सही वो राजस्थान क्या है, जाके देखे तो सही कि प्रताप की भूमि कैसी थी, जाके देखे तो सही उस मिट्टी को छू के अपने माथे पे हम लगाना चाहते हैं, हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं, वो राजस्थानी स्वाभिमानी इज्जतदार लोग, हमें उनसे मिला दो। और आज हमारा सिर सर्प से झुक जाता है जब वो आते हैं, पूछते हैं कि हमें ले जाओ वहां उस राजस्थान में, तो कहते हैं अच्छा वो राजस्थान जिसके जयपुर में सबसे ज्यादा चेने खींचती है महिलाओं की, ऐसे जानते हैं आज, कितनी शर्म आ जाती है हमको। अरे वो राजस्थान जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और देश में नंबर 3 स्थान है राजस्थान का ये महिला के अत्याचार, या वो राजस्थान जिसमें मूक बधिरों को भी नहीं छोड़ देते।
जिनके जिनके साथ 8 महीने से अत्याचार होता जा रहा है, यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी भी बच्चियां हैं, कभी आपने सोचा कि उन बच्चियों के ऊपर क्या बीता, जो बोल नहीं सके, कह नहीं सके अपनी बात को, उनको डरा के धमका के ऐसी जगह पे डाल के रखा, और 30 अप्रैल को यह बात मालूम पड़ गई, परंतु तब भी उसको उजागर नहीं किया, और उसलिए उजागर नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी थे यहाँ राजस्थान में, कहीं हमारी सीआर खराब ना हो जाए, हमारी बच्ची हो जाए भाड़ में, यह स्थिति। और उसके बाद जब उजागर किया भी तो हमारी जो इज्जत, हमारी अस्मत, उसका दाम 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए लेके आपको लगता है कि आप हमको छोड़ दोगे? मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो अपनी महिला की इज्जत को संभाल नहीं रख सकता अपने परिवार में, जो अपने बहन और बेटी की इज्जत को मिट्टी में रोन देता है, ऐसे को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है ये पूछने का, कोई हक नहीं है राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता से बात करने का। मैं ये पूछना चाहती हूं कि काहे का संदेश, काहे का नया राजस्थान। मुझे याद है कि मैं जब बीकानेर गई थी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, मुकाम में बड़ी मीटिंग थी, हम लोग गए थे दोनों उन मुकाम की मीटिंग को संबोधित करने के लिए। उस मीटिंग के अंदर हमने नया राजस्थान की बात किया, 2 दिन बाद मैंने देखे बड़े बड़े पोस्टर जयपुर के अंदर, नया राजस्थान। फिर शायद किसी अकलमंद ने उनको समझाया कि तुम तो अपने पोस्टर पे नया राजस्थान मत लिखना, 4.5 साल तो तुम्हारा ही राज रहा है, अब नया राजस्थान का मतलब क्या होता है? अगर वो लिखती है नया राजस्थान तो हमको समझ में आती है, तुमका तुम्हारा लिखना नया राजस्थान, इसका मतलब तुमने सोचा ही नहीं। अब आप संदेश क्या देने जा रहे हो? यही संदेश दे रहे हो कि हमारे राजस्थान के अंदर हमारी महिला इज्जत के साथ खड़ी नहीं हो सकती, असुरक्षित है, जा नहीं सकती सड़क के ऊपर, हमारी बेटी पिक्चर देखने नहीं जा सकती, हमारा दिल धड़कता है कि शाम को ये वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, ये हमारी महिलाओं की स्थिति है। ये संदेश देने बाहर निकले हो आप कि हमारा युवा जो है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, 8वीं के अंदर हमने षड्यंत्र करके तय कर लिया है कि किसी को एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, तो हमें टीचर की जरूरत नहीं है, स्कूल की जरूरत नहीं है, भैया 9वीं में ही भर्ती कर दो सबको, सबको 9वीं में भेज दो। और ये याद रखो ये षड्यंत्र है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कल को कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ पाएंगे, कल को कॉम्पिटिशन में नहीं बैठेंगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे और हमारे बच्चे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं, ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि नौकरी हम नहीं दे सकते। क्या ये संदेश देने के लिए जा रहे हैं कि हमारा किसान मजबूती से नहीं खड़ा हो सकता? उसको हमने कहा है, वादा दिया है कि 1,50,000 रुपए हम बिना ऋण का, बिना ब्याज का कर्जा देने जा रहे हैं, पर यहाँ कोई भी ऐसा किसान है जिसको मिला वो कर्जा? जब मैंने पूछा तो सबने मेरे को यही कहा कि ना किसी को नहीं मिला। इतने सारे झूठ, और ये कि राजस्थान, ये राजस्थान जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, हम आप लोगों से सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो सपना हमने देखा है, जो सपना आपने देखा है, वो सपना इस खूनी हाथ से नहीं होगा। ये खूनी हाथ आपका जो कांग्रेस का है, इसका तो महिलाओं का गला घोटने का काम है, इसका तो आपके जेब काटने का काम है, इसका तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम है। इस खूनी हाथ को तो जितने जल्दी काट करके फेंक देते हो, वही मैं समझती हूँ कि राजस्थान का भला रहेगा। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी, ये आज अखबार में आ गया तो कल मैं कह रही थी शाहपुरा की मीटिंग के अंदर ये बात हुई थी, मैंने कहा था कि IAS के एग्जामिनेशन चल रहे हैं या RAS के, उनके बीच में आपने खाली 4 दिन दिए हैं। अगर वाकई में आप संवेदनशील होते तो आपको ये ध्यान होता कि IAS में जो बैठ रहा है वो शायद RAS में बैठना चाहे, और जो RAS में बैठा है वो शायद IAS में बैठना चाहे, तो पर्याप्त समय दोनों के बीच में अगर आप छोड़ देते तो मौका मिलता दोनों को कि अगर इसको उधर बैठना या बैठना है तो उसको मौका मिल जाता कि वो दोनों एग्जाम में बैठने की कोशिश कर सकता। साथ साथ टीचर्स, जो टीचर्स आज राजस्थान के अंदर बच्चों की परीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद IAS की परीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद RAS की परीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो खुद IAS और RAS में बैठना चाहे, परंतु क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है इसलिए वो उसके लिए भी नहीं बैठ सकते। तो संवेदनशील सरकार की हमें जरूरत है, ये जरूरत है किसी भी प्रदेश के अंदर कि पहले उसकी मूलभूत सुविधाएं ठीक हो जाए, उसके पहले
उसके फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद उसका हेल्थ सर्विसेज, उसके पढ़ाई लिखाई का काम, उसके कॉलेज का काम वो सही हो जाए, और उसके बाद उनके नौकरियों का इंतजाम ताकि बच्चे ऐसे ही सड़कों पर नहीं भटके, उसका इंतजाम। और अगर उसका इंतजाम करना है तो सरकारी तो कुछ आपका कर ही देगा, परंतु साथ साथ निवेश का, फैक्ट्री लगाने का, लोगों को यहाँ बुला के राजस्थान के अंदर पर्यटन, पर्यटक की माने आपका जो नया इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को लाने का और आपका निवेश करवाने का, ये बहुत जरूरी काम है, तभी प्रदेश का नक्शा बदलेगा। मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने एक सपना देखा है, मैं मानती हूँ कि एक से तू तू मैं करने से अपना प्रदेश आगे नहीं बढ़ने वाला। अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हर एक आदमी को इस सपने के अंदर अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परंतु मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर सबने वो सपना देख लिया है तो हमको तैयारी में बच्चियों से लेके, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये तय कर लेना चाहिए कि अब अगले 5 साल हम राजस्थान के विकास के अंदर देंगे, क्योंकि राजस्थान का अगर विकास होगा तो उसके साथ साथ हम सबके परिवारों का भी विकास होगा, हमारे भीलवाड़ा का विकास होगा, हमारे लगे हुए शहरों का विकास होगा। इस विकास के अंदर मेरा आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब पीछे मत रह जाओ, क्योंकि अब प्रदेश सब आगे निकल जाएंगे तो हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं। आज मैं आप लोगों से पूछने लिए आई हूं, क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? आपके बीच में आएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको कहेंगे बैठ जाओ, आपको लुभाएंगे, क्या आप उन सब चीजों के ऊपर से उठ के राजस्थान के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो? यह आप मानते हो? अगर आप लोग तैयार हो तो मैं समझती हूँ कि एक नया राजस्थान बनाने में हम और सब आप मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई सीएम भी नहीं है जो अकेला कर सकता था। वो 5 साल अगर हमारा राजस्थान आगे बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि मुख्यमंत्री भी था, उसके अफसर भी थे, उसके एनजीओस भी थे, उसकी जनता भी थी, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि यह राजस्थान आगे बढ़ेगा, और जब सबने तय किया तो राजस्थान आगे बढ़ा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए आज मैं इतना ही कहने के लिए आपके बीच में आई हूं, एक जोरदार नारा आप मेरे साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जोरदार नारा, और इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि भीलवाड़ा के अंदर जो जो भी अपने को करने की जरूरत थी वो नहीं हुआ है। मैं इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ आपका, ये जो मिल्स के जमीन का चक्कर चला, मैं तो समझती हूँ कि राजस्थान के अंदर एक छोटा हल्का फुल्का नहीं, जोरदार भ्रष्टाचार चला है। यही उदाहरण आपका है जिसका मुझे लगता है 141 करोड़ का रिजर्व प्राइस होने के बावजूद भी 125 करोड़ के अंदर उसकी बिक्री हुई है, और आप जानते हो कि कितने सालों से इसके ऊपर कितने सारे लोगों की निगाह रही है, परंतु कोशिश हम लोगों की लगी रही है कि इसको अच्छे से अच्छे प्राइस पे दिया जाए ताकि सबको सबसे ज्यादा फायदा भीलवाड़ा को हो, परंतु वो नहीं हुआ, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। और मैं ये मानना चाहती हूँ कि एक दफा अपन राजनीति को छोड़ के राजस्थान का सोच के हम लोग आगे चलेंगे तो इसी में अपना फायदा होगा। इसलिए आज महिलाओं को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी मैं कि आप लोगों को भी इसके अंदर आना है। युवाओं को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, जो छात्र छात्राएं हैं उनको जोड़ के निवेदन करूंगी कि भैया सब लोगों को, ये आपका राजस्थान है, इस राजस्थान को जैसा बनाना चाहते हो वैसे बनाने की शुरुआत अब करिए। बड़े बुजुर्गों से मेरा ये है कि भाई आशीर्वाद दो, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपकी इज्जत को बनाए रखने का काम हम लोगों ने किया, आपने लगाकर चुनरी पहनाई, आप मेरे को आज तक कह सकते हो कि मैंने आपकी चुनरी की इज्जत रखने में कोई कमी कसर छोड़ी हो तो आप मुझे जरूर कहिए, परंतु आपके स्वाभिमान को, आपकी इज्जत को, राजस्थान के स्वाभिमान और इज्जत को बनाए रखने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा ये परिवार एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में मुझे देखते हुए हम सबको साथ लेकर चलने का काम करेगी, और एक जोरदार नारा मेरे साथ देगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक नारा राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान विकसित होता है तो हम सब उसमें विकसित होंगे। जोरदार जय जय राजस्थान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको भूलेंगे नहीं आसान से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आओ साथ चलें।